भगोड़े विजय माल्या पर अब से कुछ देर बाद बड़ा फैसला आ सकता है। लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई चल रही है। बैंकों का कर्ज लेकर भागने वाले माल्या ने कहा है कि वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। भगोड़े विजय माल्या को भारत लाने पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई। आज लंदन की कोर्ट में माल्या की पेशी हुई, कुछ देर में फैसला संभव। भगोड़े विजय माल्या पर बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्जा है। भारत ने फरवरी 2017 में विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर अपील की थी। फैसला पक्ष में आया तो माल्या को भारत लाने के लिए सीबीआई की टीम लंदन में मौजूद है। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर आज फैसला आ सकता है। लंदन की कोर्ट में माल्या की पेशी हुई है। भारत की अपील पर आज माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकती है। फैसला पक्ष में आया तो माल्या को भारत लाने के लिए सीबीआई की टीम लंदन में मौजूद है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद रहे। माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने पिछले साल फरवरी में अपील की थी। विजय माल्या पर बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी तो 28 दिनों के भीतर माल्या को ब्रिटेन छोड़ना होगा। I have filed a comprehensive settlement application before the Karnataka High Court. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को बिहार में बड़ा झटका लगा है। आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। कुशवाहा ने केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा एनडीए, मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान। संसद सत्र से पहले आज शाम दिल्ली में एनडीए की बैठक, कुशवाहा अलग हुए। कुशवाहा ने आज कहा, मुझे और मेरी पार्टी को कमजोर करने का एजेंडा बहुत पहले से था। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री भी थे। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे। सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा की अमित शाह और मोदी से मुलाकात की कोशिश नाकाम रही। खबरें हैं कि एनडीए छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर काफी समय से नाराज चल रहे थे। बंटवारे में आरएलएसपी को सिर्फ 2 सीटें दी गई थी, लेकिन कुशवाहा ज्यादा सीटें मांग रहे थे। अंदर रहकर हम कोई आवाज न उठा पाए, बिहार के लोगों के लिए आवाज न उठा पाए, इन्हीं कारणों से इनकी ओर से इस तरह से कोशिश की गई। इन तमाम चीजों को देखने के बाद अब मुझको लगता है आरएसएस का एजेंडा लागू कराने के लिए मुझको एक क्षण भी मंत्री परिषद में नहीं रहना चाहिए था। मेरा अनुभव बहुत ही कटु अनुभव है। हमने प्रयास किया कि हम एनडीए के अंदर रहकर अपनी बात को मजबूती से सोशल जस्टिस के लिए और बिहार के किसानों को, नौजवानों को, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, उनको न्याय मिले, इसके लिए लगातार हमने प्रयास किया। 2019 के लिए बन रहे विपक्ष के महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन पर मंथन के लिए आज 19 विपक्षी पार्टियों की बैठक है, लेकिन एसपी और बीएसपी ने बैठक से किनारा कर लिया है। वहीं बीजेपी ने महागठबंधन को करप्शन और कंफ्यूजन का संगम बताया है। विपक्ष के महागठबंधन को झटका, एसपी बीएसपी ने बैठक से दूरी बनाई। दिल्ली में 19 दलों की बैठक, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। आज बैठक, संसद के शीत सत्र में सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर चर्चा। 2019 से पहले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन जरूरी। विपक्षी दलों का कहना है कि समान विचारधारा वाले दल मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। एक तरफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने महागठबंधन की कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया। दोनों दलों के बड़े नेता बैठक से दूर रहे। बीएसपी ने तो अपना प्रतिनिधि तक बैठक में नहीं भेजा। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने महागठबंधन का समर्थन जरूर किया, लेकिन उनकी पार्टी का रुख क्या है ये साफ नहीं किया। सागर मंथन है, सागर मंथन, इसमें जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। अभी पता नहीं क्या निकलेगा। करप्शन कंफ्यूजन का
संगम होने का प्रयास हो रहा है। देश हमेशा विकास और ऑनेस्टी के संगम से चलेगा, करप्ट और कंफ्यूजन के संगम से नहीं चलेगा। एक तरफ जहां रॉबर्ट वाड्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो रही है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर रिश्वत के संगीन आरोप लगाए। राहुल गांधी पर बीजेपी का आरोप, राहुल के अकाउंट में रिश्वत का पैसा गया। बीजेपी का आरोप, राहुल ने दिल्ली में घोटालेबाज जिग्नेश शाह को फार्म हाउस किराए पर दिया। 2013 में राहुल और प्रियंका के फार्म हाउस को जिग्नेश शाह को किराए पर दिया गया। जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी पर 5600 करोड़ के घोटाले का आरोप। बीजेपी का आरोप, किराए के बदले राहुल के अकाउंट में रिश्वत का पैसा भेजा गया। बीजेपी का आरोप, राहुल के अकाउंट में रिश्वत के 40 लाख रुपए भेजे गए। बीजेपी ने राहुल और प्रियंका पर आरोप लगाया कि उन्होंने घोटालेबाज जिग्नेश शाह को अपना फार्म हाउस किराए पर दिया। संबित पात्रा ने कहा, राहुल के अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, किराए के अलावा ब्याज मुक्त डिपॉजिट भी किया गया। जिस प्रकार से खुलासा हुआ है कि जो स्कैम कर रहा था जिग्नेश शाह और उसकी कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, उसी को स्वयं प्रथम परिवार के उस समय के सहजादे और अब के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के अकाउंट में 40,20,000 रुपए गए, 40,20,000 रुपीज ये राहुल गांधी जी के अकाउंट में एज इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट गए, दो चेक्स के माध्यम से गए। एक चेक 20,10,000 का और दूसरा चेक 20,10,000। बीजेपी ने कहा, जिग्नेश शाह NSEL पेमेंट घोटाले के आरोपी हैं। जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी पर 5600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शीत सत्र में वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस रफाल डील और CBI विवाद को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। दूसरी तरफ कल से संसद का शीतकालीन सत्र, विपक्षी पार्टियों के हंगामे की आशंका। संसद में सर्वदलीय बैठक हुई, सूत्रों के मुताबिक सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, शीत सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी और विपक्ष पार्टियों के नेता शामिल हुए। शीत सत्र में ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा से पास कराने की कोशिश। रफाल डील, CBI विवाद, किसान कर्ज माफी और रोजगार के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी के अलावा सभी विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, संसद के शीत सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शीत सत्र में सरकार ट्रिपल तलाक, उपभोक्ता संरक्षण और चिट फंड जैसे कई विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। लोकसभा में 16 जबकि राज्यसभा में कुल 7 बिल हैं जिन्हें पास कराने की कोशिश होगी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां रफाल डील, CBI विवाद, किसान कर्ज माफी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शीत सत्र में राहुल गांधी महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठा सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अमरिंदर ने कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तानी सेना और ISI की साजिश बताई है। करतारपुर कॉरिडोर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया पाकिस्तान की साजिश। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कहा, कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान आर्मी और ISI का हाथ। कैप्टन अमरिंदर ने कल कहा, पंजाब में आतंकवाद का गेटवे बनाना चाहता है पाकिस्तान। भारत का सिख समुदाय लंबे समय से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहा था। कॉरिडोर खोलने के बाद भारतीय बिना वीजा के पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में दर्शन कर सकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान खालिस्तानी साजिशों को बढ़ावा दे सकता है। का मंत्री है उसके बारे ऐसे बोलते हैं, या मंत्री को शर्म आकर इस्तीफा देना चाहिए, या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दुखी होकर उनको निकाल देना चाहिए। वैसे एक होना चाहिए समाचार पत्र में कहना ये तो हास्यास्पद हो गया। बहुत वधिया साढ़े सारे एज अ सिख साढ़े सारे लिए बहुत वधिया वो कर रहे हैं। करतारपुर एक जड़ा वा सिखी दे नाल जुड़े हुआ है, सिखा दी भावना करतारपुर साहब नूं सियासी तौर पर ना वरत। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बीजेपी ने हत्या का आरोप TMC पर लगाया है।
बीजेपी ने कहा ममता राज में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बीजेपी नेता की गोली मार कर हत्या। दुर्गापुर के कांसा सरस्वतीगंज इलाके में बदमाशों ने गोली मारी, सीबीआई जांच की मांग। कल रात करीब 10 बजे बीजेपी यूथ समिति की सभा से निकलते वक्त ये हमला हुआ। मारे गए बीजेपी नेता का नाम संदीप घोष, हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हत्या का आरोप टीएमसी और रेत माफिया सैफुल पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी नेता संदीप घोष पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेकर रात करीब 10 बजे वापस लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं, उन्हें दुर्गापुर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर टीएमसी और रेत माफिया सैफुल पर हत्या का आरोप लगाया है। देश के 3 राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद हुआ, लोगों को परेशानी हुई। रास्ते बंद होने से पर्यटकों की कमी, रोजगार पर असर होगा। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड, सर्द हवाओं का असर। यहाँ पर फिलहाल सैलानियों को आने की अनुमति नहीं है। मौजूदा तस्वीर बयां कर रही है कि यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद क्या कुछ तस्वीर है वो बिल्कुल आपके सामने है। अब इस रोहतांग दर्रे के दीदार करने के लिए अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा।